अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। इट्स मी सबा, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो हैक्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आप लोग अपने फेस से रिंकल्स, ब्लेमिशेस और टैन को परमानेंटली कैसे खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, उम्र के साथ साथ हमारे फेस पे रिंकल्स तो आ ही जाते हैं, और जब हम लोग बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली टैन भी आ ही जाता है, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और जब हम लोग अपने फेस का डेली रूटीन पे केयर नहीं कर पाते तो ब्लेमिशेस भी पड़ जाती हैं, जिससे हमारे फेस का नेचुरल ग्लो छुप जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही इफेक्टिव और नो साइड इफेक्ट वाली रेमेडी। इसको अगर आप लोग एक हफ्ता यूज करेंगे तो आपकी ओरिजिनल स्किन टोन वापस आ जाएगी, आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा। तो चलिए टाइम जाया किए बगैर रेमेडी को शुरू करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए मैं लूंगी 1 टीस्पून दही। दही में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, खास तौर पे रिंकल्स के लिए। ये हमारी स्किन पे ग्लो भी लेके आएगा और ड्राई स्किन के लिए ये बहुत बेस्ट है। इसके साथ साथ ये कम्प्लेक्शन को भी फेयर करेगा और टैन को रिमूव करेगा। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी हम थोड़ी सी लेंगे। हल्दी छाइयों को खत्म करती है, स्किन टोन को लाइटन करके स्किन पे एक नेचुरल ग्लो लेके आती है, और ये डल और डेड स्किन को भी फ्रेश बनाती है। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर इसको अपने फेस पे लगा लें। अगर आप लोग फेस पे, नेक पे, हाथों पैरों पे लगाना चाहते हैं तो आप लोग क्वांटिटी को उस हिसाब से ज्यादा कर सकते हैं। इसको आपने मसाज करते हुए लगाना है, फिर इसको आप लोग 20 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये सूख जाए तो इसके बाद आप अपने फेस को थोड़ा सा गीला करें और थोड़ा सा मसाज करें, और फिर फेस को सादा पानी से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपको देखना कितना अच्छा फील होगा, आपकी स्किन हाइड्रेटेड और सॉफ्ट हो जाएगी। दही हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्चराइज रखता है और पोर्स को भी टाइट करती है। और जो हमने इसमें हल्दी ऐड की है, हल्दी एजिंग प्रोसेस को स्लो करती है, ये एक्ने और पिंपल्स को भी खत्म करती है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग, सिर्फ सिंपल 2 इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेमेडी शेयर की। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, और ये दोनों चीजें आपके घर में मौजूद होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल ग्लो हैक्स को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।